प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर अलग अलग वार्डों में विभिन्न कार्यक्रम वार्ड स्तर पर आयोजित किए गए। इस मौके पर विधायक अनीता बधेल द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए संदेश भी दिया गया। विधायक अनीता बधेल ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा भाव से अपना कार्य कर रहे हैं और इस महामारी के दौरान भाजपा कार्यकर्ता भी उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए आमजन के बीच पहुंचकर सेवा कार्य कर रहे हैं। वार्ड संख्या 39 में आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया गया तो वहीं वार्ड संख्या 40 में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। आज वार्ड संख्या 39 में स्वच्छता सैनिकों का सम्मान किया गया है। आज प्रातःकाल से ही भारतीय जनता पार्टी के सेवा ही संगठन को ध्येय वाक्य मानते हुए अजमेर दक्षिण में बहुत सारे सेवा कार्य किए गए हैं, जिसमें भगवानगंज फरीदाबाद कॉलोनी में 37 लोगों को सूखा राशन वितरण, वार्ड नंबर 40 में काढ़े का वितरण और अब वार्ड नंबर 39 में स्वच्छता सैनिकों का सम्मान का कार्यक्रम है। पूरे दिन चलने वाले इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज सेवा के नाते से बहुत सारे संगठन के कार्य होने हैं। मैं माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को बधाई देती हूं कि उनके कार्यकाल में भारत न केवल उन्नति किया है बल्कि बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना किया है और आप ही में वो शक्ति, वो धैर्य और वो प्रताप है जिससे आप आने वाली चुनौतियों का भी सामना करते रहेंगे। देश की जनता आपके साथ है, सिर्फ आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हमारे देश का आत्मसम्मान और मान बढ़ाते रहें। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKV न्यूज़, सच्चाई की वापसी।